लालू जी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल ने कहा कि कौन मायावती, हमें जरूरत नहीं है, और कांग्रेस ने कभी बुलाया नहीं। लल्लू पंजू दलों को इन्होंने इंडिया गठबंधन में इज्जत से इन्विटेशन दे करके बुलाया। इन्होंने बहन जी को बुलाया क्या? बहन जी तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की नेता है, इस देश के 85% बहुजनों की नेता है, वो ऐसे ही चली जाए आंख मूंद करके, बहुजन मिशन को खत्म कर दे, ये चाहते हो क्या? आज बहन जी ने जो फैसला लिया अकेले लड़ने का, उससे बहुजनों को इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। 2024 के चुनाव में जहां दोनों मनुवादी का चेहरा होगा, वहां बहुजन नेता का चेहरा भी होगा। बहन जी ने इज्जत रख ली तुम्हारी, समझो इस बात को। अब वो बीजेपी की बी टीम है नीतीश कुमार या बहन जी है? बहन जी गई है क्या? नीतीश कुमार गए हैं, ममता बनर्जी भाग रही है, ए टीम बी टीम सी टीम कौन है? बहन जी नहीं है बी टीम ए टीम सी टीम। और बहन जी लगातार इनके बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर जितने हमले बहन जी ने करे, एक भी नेता ने नहीं करे। एक राहुल गांधी का बता दो डायरेक्ट कोई हमला हो। जब कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम, तब बहन जी ने माननीय काशीराम जी ने विरोध किया था, रिटर्न विरोध है, लोकसभा में विरोध है कि इसको मत लाओ, लेकिन कांग्रेस अपने अहंकार में थी, जैसे आज मोदी अहंकार में है, इनको कोई वोट नहीं देने वाला। ईवीएम है तो मोदी है, जिस दिन ईवीएम खत्म हो गई उस दिन मोदी खत्म है। कर दो मुंह बंद, जब तुम्हारा इतना हवा चल रही है, इतनी आंधी चल रही है कि 400 पार, तो कराओ बैलेट पेपर से चुनाव और बंद कर दो हमारा मुंह। तो अभी वर्तमान में हालात क्या है? आप लगातार जो है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते रहे। नहीं देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि एक सीट आई थी, वोट भी बहुत भारी संख्या में बहुत वोट आया था, और 19.5% वोट है, 10 सांसद थे 2019 में, और जो 2022 के में जो हुआ था पंचायती चुनाव, उसमें भी भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ताकत के साथ अब चुनाव लड़ा, और उसमें भी अच्छा वोट मिला, सीटें भी मिली। और अभी जो 10 की बात कर रहे हो, ये 10 तो एक्स हो चुके हैं, ये एमपी नहीं है। अभी आप इसी महीने में जो फरवरी में आखिरी सत्र खत्म हुआ लोकसभा का, और समापन हो गया लोकसभा सत्र का, और अब नई जब लोकसभा चुनी जाएगी तब जा करके वो सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी तो वो एक सामान्य नागरिक हैं बीएसपी के। और क्योंकि पार्टी की परंपरा रही है कि पार्टी दोबारा सिटिंग एमपी को टिकट नहीं देती है, तो इसीलिए भाग रहे हैं, वो लालची लोग हैं, वो भाग रहे हैं, कोई किसी में समाजवादी पार्टी में, कोई बीजेपी में, कोई किसी में भाग रहा है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अकेले अकेले ही भाग रहे हैं। एक कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वो कैडराइज पार्टी है और उसका वोट कभी भी हिलता नहीं है इधर से उधर। और दूसरी बात ये कि सिर्फ बीएसपी के तो ये एक्स सांसद भाग रहे हैं कैंडिडेट अपने वोट के लालच में, टिकट के लालच में, लेकिन आपको पता होगा कि खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में तो सिटिंग विधायक, 8 सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी के भाग रहे हैं, बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा चुनाव में, और हिमाचल में तो पूरे ही कांग्रेस के ज्यादातर 50% से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट किया है राज्यसभा के। तो ये तो इनकी पार्टियों के लोग भाग रहे हैं, बीएसपी का कार्यकर्ता तो नहीं भाग रहा, और बीएसपी के जो लोग हैं वो क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर रहे कम से कम। तो इसीलिए बीएसपी एक कैडराइज पार्टी है, बीएसपी मजबूत पार्टी है, उसका अपना जनाधार है, अपना वोट है, और जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है बहन कुमारी मायावती, वो अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, और 2024 में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। 50 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, ये बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हुआ है, और बहुजन समाज पार्टी बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, और उनकी जो रणनीति है बड़ी शार्प रणनीति बन रही है। और मार्च के पहले हफ्ते से आप देखोगे कि हरियाणा से लेके दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नजर आने वाली है। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखे तो उस तरीके का कहां नजर आ रहा है, जहां एक अभी वर्तमान में जो सरकार है देश में वो लगातार है, कई सारी रैलियां कर रही है, उनके जो है मंत्री, जो गृह मंत्री है वो भी ज्यादा के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो बहुजन समाज की जो आयरन लेडी है वो कहां नजर आ रही है? नहीं, उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। देखिए, आयरन लेडी बिल्कुल दिखाई दे रही है, वो 24 घंटे काम कर रही है, वो अपनी रणनीति और तमाम चीजों में कर रही है, और बीएसपी का अपना वोट है, अपना काम करने का वर्क कल्चर है, तौर तरीका है। अब ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनका वोट नहीं है ना, हमारा तो 85% वोट है, जिस दिन खड़े हो गए उसी दिन देश की संसद पे हमारा झंडा लग जाएगा। 14% बीएसपी के 14% वोट से तो सरकार नहीं बनेगी। नहीं, देखिए 14% वोट था उसमें विधानसभा में, लोकसभा में जो 19.5% वोट है और 10 सांसद जीते हुए 2019 में, अब उनको प्लस करना है। लेकिन वो तो गठबंधन से आए ना सर। नहीं, किसने कहा गठबंधन से आए?
वो समाजवादी पार्टी की वजह से तो नुकसान हो गया, नहीं तो हमारे और 37 वहां पर लोकसभा सांसद आने थे। पता आपको 37 सीटों पे वहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 में कह दिया था कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री फिर से बनता हुआ देखना चाहता हूँ, और इसीलिए उनके लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी को वोट किया, वहां भी क्रॉस वोटिंग हुई। तो इसीलिए बहन जी ने वो तोड़ा गठबंधन कि इनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा वोट उनको ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आ गई, नहीं तो 0 सीटें आनी थी उनकी। तो इसीलिए उन्होंने हमें इस्तेमाल करा बहन जी ने, इसीलिए वो गठबंधन तोड़ा। अब जिस तरीके से पोजिशन है पुराने टेक्निकल, उससे 10 सांसद जीते और 37 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पे बीएसपी रही, जिसका मार्जिन 2000 से 5000 का वोट था सिर्फ मात्र। अगर समाजवादी पार्टी के वोटरों ने अगर वो कर दिया होता वोट, तो ये मोदी सरकार पिछली बार ही ऑन द मूव गिरती, पिछली बार ये 2019 में ही हार गए होते और बहुजन समाज पार्टी 43 सीटों की लीड पे होती। लेकिन लगातार जो है लोग कह रहे हैं और बहुजन समाज में ऐसी बातें चल रही है तमाम की जानबूझकर जो है बहन जी वो गठबंधन में नहीं है, अलग लड़ रही है कि ताकि जो है बीजेपी का जो है रास्ता साफ हो सके। नहीं, क्यों जाए हम गठबंधन में भाई, किसने बुलाया? कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल लेटर दिया बुलाने? नहीं, किसने बहन जी को न्योता दिया? जितनी अभी 1 साल से 1.5 साल से इनकी कवायद चल रही है, इन्होंने कितने ऑफिशियली कितने तरीके से बुलाया? लालू जी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल ने कहा कि कौन मायावती, हमें जरूरत नहीं है, और कांग्रेस ने कभी बुलाया नहीं। लल्लू पंजू दलों को इन्होंने इंडिया गठबंधन में इज्जत से इन्विटेशन दे करके बुलाया, इन्होंने बहन जी को बुलाया क्या? क्यों जाएगी बहन जी? बहन जी तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की नेता है, इस देश के 85% बहुजनों की नेता है, वो ऐसे ही चली जाए आंख मूंद करके बिना बुलाए, चाहे इनके पीछे लाइन में खड़ी हो जाए, बहुजन मिशन को खत्म कर दे, ये चाहते हो क्या? आज बहन जी ने जो फैसला लिया अकेले लड़ने का, उससे बहुजनों को इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। 2024 के चुनाव में जहां दोनों मनुवादी का चेहरा होगा, वहां बहुजन नेता का चेहरा भी होगा। बहन जी ने इज्जत रख ली तुम्हारी, समझो इस बात को। लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का रास्ता साफ कर रही है। नहीं नहीं, ये तो कहते हैं जैसा मुंह, अब कौन कर रहा है? वो तो वो कर रहा था ना जिसने इंडिया गठबंधन बनाया, अब वो बीजेपी की बी टीम है, नीतीश कुमार या बहन जी है? बहन जी गई है क्या? नीतीश कुमार गए हैं, ममता बनर्जी भाग रही है, यहाँ RLD का ये भागा है, क्या नाम है इसका, जैन चौधरी भागा है, बहन जी भागी है क्या? पता चल रहा है बी टीम कौन है? बी टीम सी टीम कौन है? बहन जी नहीं है बी टीम, ए टीम सी टीम। और बहन जी का एक कार्यकर्ता नहीं हिला कहीं से कहीं तक भी, और बहन जी लगातार इनके बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर जितने हमले बहन जी ने करे, एक भी नेता ने नहीं करे। एक राहुल गांधी का बता दो डायरेक्ट कोई हमला हो, ये इनके बस का नहीं है, सिर्फ बहन जी इनको हरा सकती है और बहन जी हराएगी। ईवीएम पे खामोश रहती है? नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? अरे राहुल गांधी खामोश रहते हैं, अब केजरीवाल की बोलती बंद हो गई है ईवीएम पर, बहन जी तो लगातार बोल रही है, लगातार उनके ट्वीट देखो, और जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ था, हर रैली में 10 से ज्यादा रैली करी और हर रैली में ईवीएम का मुद्दा उठाया बहन जी ने। बहन जी तो लगातार ईवीएम के खिलाफ अगर कोई बोलता है इस देश के अंदर, तो बहन कुमारी मायावती। बाकी राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहा भाई? राहुल गांधी को अभी बोलना चाहिए ना, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ईवीएम के विरुद्ध, तो राहुल गांधी को कम से कम अपनी यात्रा कर रहा है, दुनिया भर के भाषण दे रहा है, उसमें कह नहीं सकता कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ मैं उसका समर्थन करता हूँ, इतना तो बोल दे। केजरीवाल पहले खूब भौंकता था ईवीएम के विरुद्ध, अब जब पंजाब जीत लिया, अब जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, गुजरात में वोट आ गए, तो अब ईवीएम पे नहीं बोलता भाई, अब नहीं बोलता है। कहाँ बोले? नहीं, हमारे पास कोई खबर नहीं है, बोले होंगे आपको पता होगा, लेकिन केजरीवाल जिस तरह पहले बोलता था गुजरात में वोट पाने से पहले, राष्ट्रीय पार्टी बनने से पहले, अब केजरीवाल एक बार भी ईवीएम के विरुद्ध नहीं बोलता है। इनको बोलो ना, इन पे एलिगेशन लगाओ, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ एक दलित नेता क्यों बोल रही है? बहन कुमारी मायावती ही क्यों खिलाफ बोलती है ईवीएम के? क्योंकि ये जो भी सत्ता में आ जाता है उनको फिर ईवीएम से प्यार हो जाता है। जब कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम, तब बहन जी ने, माननीय काशीराम जी ने विरोध किया था, रिटर्न विरोध है, लोकसभा में विरोध है कि इसको मत लाओ, लेकिन कांग्रेस अपने अहंकार में थी, जैसे आज मोदी अहंकार में है। उसको लगता था कांग्रेस को हमारा सत्ता कभी जाएगी नहीं, हम अनंत काल के लिए भारत की गद्दी पर हैं, इसलिए उसने वो अहंकार भले काम करे। और जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब ईवीएम के खिलाफ नहीं बोली, उस समय बीजेपी खिलाफ बोलती थी, और अब जब बीजेपी सत्ता में है
तो अब बीजेपी ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलती है और उल्टा उसका समर्थन करती है। अब क्योंकि अब बीजेपी को लग रहा है कि हम अनंत काल के लिए आ गए, अब शायद हमें कोई हरा पाएगा, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में उनको लग रहा है। 400 पार का दावा कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना? नहीं, ईवीएम है, क्योंकि पता चल गया ना कि जो जिस फैक्ट्री कारखाने में जिसमें ईवीएम बनती है उसमें बीजेपी के 5 है, 5 लोग हैं आरएसएस बीजेपी के, वहां नौकरी उन्होंने वहां पे लगवाई, अफसर जो उसमें खटाखट सेटिंग कर रहे हैं। ये 400 क्या 544 पूरी जीत जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये तो सारी जीत जाएंगे, जनता थोड़ी वोट। अरे किसान लड़ रहे हैं, वहां शिक्षक लड़ रहे हैं, वहां लखनऊ में वहां सारे बेरोजगार लड़ रहे हैं, लगातार वहां लड़ाई चल रही है, वहां पर सारे के सारे वो मजदूर तमाम लड़ रहे हैं, तो इनको वोट कौन देगा? कौन देगा वोट? सिर्फ ईवीएम देगी और कोई नहीं देगा, इनको कोई वोट नहीं देने वाला। ईवीएम है तो मोदी है, जिस दिन ईवीएम खत्म हो गई उस दिन मोदी खत्म। ईवीएम से तो बीएसपी को भी खतरा है, फिर कैसे लोकसभा का जो इलेक्शन आने वाला है 2024 का, फिर कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि ईवीएम को पूरी तरीके से इसको इस पे ध्यान रखना है। और ये क्योंकि बदलते हैं ना बाद में ईवीएमओ को, बदलते हैं जिसमें सेटिंग करके बाद में वो स्ट्रांग रूम से बदल लेते हैं, जब वहां पर रोते पिछली बार कितने करे थे, 4 ट्रक ईवीएम चुराए थे इन्होंने, 4 ट्रक ईवीएम चुरा करके नकली सरकार बनाई थी। मैं तो मोदी जी को कह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हो संसद में 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपकी इतनी तूती बोल रही है, इतना आपको वोट मिलने वाला है, तो मोदी जी हमारा मुंह बंद कर दो, हम विरोधियों का मुंह बंद कर दो और आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा के जीत जाओ, फिर हमारा और विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा। कर दो मुंह बंद, जब तुम्हारा इतना हवा चल रही है, इतनी आंधी चल रही है कि 400 पार, तो कराओ बैलेट पेपर से चुनाव और बंद कर दो हमारा मुंह।